नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुख करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा चुनाव में परिणामों के बाद राजस्थान में जोरदार जश्न देखने को मिला। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पीएम मोदी संविधान को माथे पर लगाकर चलते हैं और हरियाणा की जनता ने एक बार फिर से मोदी को जीत का तोहफा दिया है। इसके साथ ही मदन राठौड़ ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में दो राज्यों में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी। इस साल राजस्थान में मानसून की जमकर मेहरबानी रही। मानसून राजस्थान से विदा हो चुका है और अब सूर्य अपनी तपिश से लोगों को सताते हुए नजर आ रहा है। बीते एक सप्ताह से दिन में सूर्य की तपिश बढ़ने के साथ ही गर्मी और उमस ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है, लेकिन शेष भागों में अभी भी गर्मी सताती हुई नजर आएगी। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते अब मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। BIS राजस्थान ने मानक दिवस 2024 के मौके पर उदयपुर के फतेह सागर झील पर सफलतापूर्वक रन फॉर क्वालिटी दौड़ का आयोजन किया। यह आयोजन विश्व मानक दिवस 2024 के वैश्विक समारोह के तहत किया गया। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण दिन का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की सुरक्षा, विश्वसनीयता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले मानकों के महत्व को उजागर करना है। इस अवसर पर उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत, पर्यावरणविद और समाज सेवी पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल, समाज सेवी पिपलात्री और BIS राजस्थान निदेशक और प्रमुख कनिका कालिया मौजूद रहे। हरियाणा चुनाव के परिणाम कांग्रेस की आशा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन पूरे देश की नजरें हरियाणा के जुलाना की सीट पर टिकी हुई थी, क्योंकि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी थी विनेश फोगाट। ओलंपिक में ओवरवेट के चलते डिस्क्वालीफाई हुई विनेश को जुलाना की जनता ने भरपूर समर्थन देते हुए जीत दिलाई, जिसके बाद ओलंपिक के गम कुछ हद तक कम भी हुआ। जीत के बाद विनेश ने कहा कि यह जीत हर उस महिला की है जो संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ती है। MSP पर फसल खरीद की मांग को लेकर करीब 20 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने आज हनुमानगढ़ टाउन के भारत माता चौक पर चक्का जाम किया। करीब 2.5 घंटे तक चक्का जाम के दौरान वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान किसानों ने कहा कि किसानों की फसलें धान मंडियों में आ चुकी है, मगर अभी तक भी राज्य सरकार ने MSP पर खरीद शुरू नहीं की, जिस कारण किसानों को कम दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है और बार बार वार्ता के बावजूद किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे आक्रोशित होकर किसानों ने आज चक्का जाम किया। वहीं किसानों ने कहा कि अब भी सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की तो किसान बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। पूर्व CM अशोक गहलोत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव परिणाम का हवाला देते हुए यहां तक कह डाला कि धीरे धीरे चमक उतर रही है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने बोला है कि ये लड़ाई विचारधारा की है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन BJP वाले इस बात को समझ नहीं रहे हैं। वो सिर्फ लोगों के पीछे पड़कर उनको परेशान करने का काम करते हैं। यही फर्क कांग्रेस और BJP में है। अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा के एक और बयान इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान जनता के दिलों को जीतता हुआ भी नजर आ रहा है। किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्रियों को मिलने वाले एस्कॉर्ट को लेकर बयान दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि पुलिस मंत्रियों को एस्कॉर्ट करना बंद करे, इससे पुलिस का काफी समय बर्बाद हो रहा है। पुलिस को आमजन के हित में काम करते रहना चाहिए, जनता की रक्षा सुरक्षा का ध्यान पुलिस को रखना चाहिए। किरोड़ी ने पुलिस को सलाह देते हुए कहा कि पुलिस मेरी भी एस्कॉर्ट ना करे। भारत विकास परिषद उत्तर प्रांत द्वारा प्रांत स्तरीय समूह गायन प्रतियोगिता का आयोजन आज हनुमानगढ़ टाउन में किया गया। प्रतियोगिता में टाउन के SRM स्कूल की टीम विजेता रही। भारत विकास परिषद के सचिव राम विलास मांडन ने बताया कि विजेता टीम 17 नवंबर को उदयपुर में आयोजित रीजन स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस दौरान विजेता टीम को भारत विकास परिषद द्वारा सम्मानित भी किया गया। अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी अब धीरे धीरे पूरे देश में अपनी पहचान बनाने लगी है। आम आदमी पार्टी ने अब जम्मू कश्मीर में भी अपना खाता खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने डोडा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है। आप प्रत्याशी महराज मलिक ने भाजपा प्रत्याशी गजय सिंह राणा को करीब 2500 वोटों के अंतर से हराया। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। डोटासरा ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर विवादित बयान दे डाला है।
डोटासरा ने अपने बयान में यहां तक कह डाला कि गजेंद्र सिंह शेखावत की भुज बुला देंगे। वहीं किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी डोटासरा ने कहा कि उनकी स्थिति बीजेपी को जल्द से जल्द स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वो मंत्री हैं या नहीं। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल के गमछा बयान पर डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि वह हमारे सम्मानित नेता है और उनके बयान पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।